नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दगड़िया शिवांग न्याल और मेर माँ मैं सुमन न्याल लेकर आया छा नया व्लॉग और स्वागत है आपक म्यार चैनल मेरो उत्तराखंड माँ। और आज 11 मार्च और आज म्यार पॉलिटिकल साइंस का पेपर छा है, तो मैं पेपर देकर आ गयो और अब मैं नाश्ता भी कर रहा और 11:30 होना छिन और तब दिखाना छो आज क्या क्या होंद, तो बने रहना और सब देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे पौधों में फूल भी होने लग गए हैं दोस्तों, गेंदे का फूल होने लग गया है, गुलाब का फूल भी हुआ था पर आज झड़ गया है, और इधर भी गेंदे का फूल है और कड़ी पत्ते के भी मौल्याण आ चुकी है, मौलात हो गई इसकी भी, और इधर भी ये भी थोड़ा मुरझा गया, इसको धूप नहीं मिल रही यहाँ पे, इस बोतल में उगाया था। मम्मी पोछा भी लगा रही है, साफ सफाई जोरों शोरों में है। तो अब मेरा नेक्स्ट पेपर परसों नहीं, सीधे 16 तारीख को है, 4 दिन की छुट्टी। तो मम्मी ने बोला कि अब तू पढ़ेगा तो अभी है नहीं, तो इसलिए काम कर कि अलमारी से सारे सर्दियों के कपड़े पैक करो और गर्मियों के कपड़े ले आओ, क्योंकि आप देख सकते हो मैं हाफ टी शर्ट में आ गया हूँ, क्योंकि अब उतनी ठंड नहीं रही, थोड़ी बहुत हल्की हल्की हवा है तो वो हम मैनेज कर लेंगे, तो इसलिए अब हम गर्मियों के कपड़े निकालते हैं। तो अब वही सेटिंग वेटिंग करनी है तो करते हैं। और दोस्तों आप लोग ब्लॉग देखते ही नहीं हो आजकल, बहुत कम लोग देख रहे हैं ब्लॉग, तो प्लीज़ देखो यार और शेयर भी करो, ऐसे सपोर्ट करो, क्योंकि अब मैं हमेशा गाँव के ब्लॉग्स तो लाऊँगा नहीं, क्योंकि भाई दिल्ली में रहते तो दिल्ली के व्लॉग्स को भी सपोर्ट किया करो, आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे न्यू। और कमेंट में बता दिया करो आपको कैसे टाइप के व्लॉग चाहिए, तो वो भी ले आएंगे, जैसा आप बोलो वैसे करेंगे, पर प्लीज़ सपोर्ट करा करो। सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे आजकल, ना ही व्यूज़ आ रहे, तो प्लीज़ व्यूज़ भी लाओ और करते रहो सपोर्ट। तो जाओ चैनल में, जो जिसने जोन सी वीडियो नहीं देखी, लाइक नहीं करा, सब कर दो और देख कर आ जाओ। और गाँव के भी व्लॉग्स में लाऊँगा, जब गाँव जाऊँगा तो हर टाइम, मतलब गाँव के तो नहीं आ सकते ब्लॉग, तो इसलिए हर वीडियो को सपोर्ट करा करो आप लोग। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ अपनी अलमारी का हाल, आप बोलेंगे क्या हो रखा है, तो ये देख सकते हो कपड़े कैसे हो रखे हैं, तो इसको अब सेट करना है, जितनी बार भी सेट करते हैं हमेशा ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सिंगल मेरी अलमारी नहीं, मेरे भाई की भी है और मेरा भाई, क्या ही बोलूँ। तो दोस्तों सबसे पहले कपड़े निकाल देते सारे। पहले इन कपड़ों का तह लगा देते हैं, इतने सारे कपड़े। चलिए इनको तह लगाते हैं। फ्रेंड्स काम हो चुका है डन और अलमारी सेट कर दिए, दिखा देता हूँ अभी, रफली सेट करिए अच्छे से नहीं करिए, दिखा देता हूँ आपको अभी। कपड़े सारे से क्यू में और एकदम लाइन वाइज सेट कर दिए, स्कूल ड्रेस भी न्यू मिला, समर स्कूल ड्रेस निकाल दिए, और बस अभी थोड़ा बहुत ऐसा है इसको नीचे रखना है, बाकी दादी का भी, इसमें दादी के भी कपड़े हैं, तो बस सेट कर दिया है, तो इसको करते हैं बंद। वेलकम बैक वंस अगेन, और अभी हो गया नेक्स्ट डे और आज है 12 मार्च, तो टाइम हो रहा है अभी अप्रोक्स 12:30 हो रहे हैं, 12:30 होने वाले हैं, और मैं नहा धो गया हूँ, नाश्ता वाश्ता हो गया और जुखाम हो गया है फ्रेंड्स, जुखाम हो रखा है सबको, मम्मी मुझे और हनी को थोड़ा बहुत, क्योंकि एकदम मौसम चेंज हुआ और यही बस, और धूप भी अच्छी खिली है आज, पर धूप के साथ बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, तो मौसम थोड़ा अजीब सा हो रखा है, हवा भी चल रही है बहुत तेज़,
और मम्मी कपड़े धो रही है। और मेरा अब नेक्स्ट एग्ज़ाम सीधा 16 को है और 4 दिन की छुट्टी, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, थोड़ा रिलीफ है, तो आराम से ही पढ़ेंगे। और वो भी हिंदी का एग्ज़ाम है तो मतलब आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे। और बाकी अभी दिन का समय हो गया और दिन का खाने की तैयारी करनी है। तो हाँ, तो मम्मी तो काम कर रही है, तो मेरे को मम्मी ने बोला कि सब्जी बना दे, तो सब्जी बना दे, क्योंकि मम्मी को अभी टाइम लगेगा कपड़े वपड़े धोने में, वो भी है। और हम दिन में चावल आजकल बना नहीं रहे ज़्यादा, क्योंकि शाम को, दिन में दो ही लोग हैं हम और शाम को पापा और हनी आ जाते हैं, तो हम शाम को ही बनाते हैं चावल। तो अभी सब्जी बनाएंगे आलू और बड़ी की, सोयाबीन की, और वो मैं बना दूँगा और फिर मम्मी रोटी बना देगी। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि शिवांग मतलब मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा बहुत कुछ कुछ पकाना, कुकिंग करना भी और मतलब बाकी एक्टिविटीज़ करना भी, तो इसलिए मैं कर देता हूँ। अच्छी बात है, करनी चाहिए, एक्सपीरियंस हो जाता है आगे के लिए, मतलब आगे भी काम आता है सबसे। तो ये सब्जी बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत और फिर आगे मिलते हैं। तो सब्जी के लिए मैंने थोड़े से आलू ले लिए, इसको हम थोड़ा वॉश कर लेंगे और इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। पहले धो लेते हैं इनको। दोस्तों सब्जी तो आपको बनानी आती है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ सब्जी बना के। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैंने दोस्तों अपनी सब्जी पकाने के लिए रख दी है, पक रही है सब्जी, तो खाने के टाइम मिलता है। दोस्तों आज तीसरा दिन है व्लॉग का और अभी हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। आज संडे है तो अभी हम ऐसे ही बगल में इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते कहाँ जा रहे हैं। कोरोना से पहले हम बहुत जाया करते थे घूमने, सुबह शाम कभी कभी मतलब, तो जब से कोरोना हुआ उसके बाद हम बहुत कम जाने लग गए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सैनिक फार्म का रास्ता और यही एकमात्र सहारा है घूमने का हमारे इस साइड वाले लोगों के लिए। तो देख सकते हो आप, तो कितने सारे बच्चे साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं इधर। तो यहाँ पे वॉकिंग करने वाले लोग और साइकिलिंग करने वाले लोग आते रहते हैं, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। यहाँ से ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है, हमारे यहाँ तो बहुत कम ग्रीनरी है, यहाँ पे बड़े बड़े बंगलो हैं इसलिए। और ये आम का पेड़ देखिए कितना सुंदर हो रखा है यहाँ पे, ये देखिए वाइट फ्लावर्स। तो मैं बताते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंगलो है, तो इतना अच्छा वातावरण इन्वायरमेंट है और खुली खुली जगह है, तो घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बार हमें यहाँ पे मोर भी दिखे हैं पहले सुबह सुबह, तो अभी तो दिखेंगे नहीं, मुश्किल है अभी, पर सुबह दिखते हैं। आप देख सकते हो ये तोर की दालें हैं जो गढ़वाल में भी उगाते हैं और यहाँ पे भी उग रही है, देख सकते हो आप। और अगर मम्मी गलत गैस करे तो ज़रूर बता। तो यहाँ पे इवनिंग के टाइम बहुत भीड़ रहती है, सब लोग घूमने आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा मोर है, मोर दिख गया। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, हमारी भी, अपने पंख खोल रहा है, बहुत प्यारा मोर है। आपको कैमरे में इतना साफ नहीं दिखेगा पर यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है सामने से। यहाँ से फ्रंट से देख सकते हो आप कितना क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं और देखिए मतलब कितनी मस्त। तो आप देख सकते हो क्या मस्त किस्मत है कि हम आ जाए इतने दिनों बाद और आप व्लॉग बना रहे थे और मोर भी दिख गया, तो मज़ा आ गया देखकर। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बस गाड़ियों की पैपे टैटे सुनाई देती है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा वातावरण और बहुत सारे पक्षी, मोर
चिड़िया बहुत अच्छी आवाज सुनाई देती है, तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं घूम के और हमें मोर भी दिखा जैसे आपने देखा ही। बस छोटे सा मतलब 20-30 मिनट का जो राउंड था वो करा हमने और आ गए घर। तो बस इस व्लॉग के लिए इतना ही। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी को बजा देना रेड से ग्रे कर देना सब्सक्राइब बटन और शेयर भी कर देना। बाय बाय। आशा करता हूँ कि आपको दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा और बहुत ही बढ़िया व्लॉग लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।